राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं, देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाय करना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है, और इस मानसिकता को बदलना, देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है, और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं, आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं ये बहुत निंदाजनक है, और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी, ये बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियां आती हैं, और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल जमीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज का ब्यौरा लिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी, और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूं कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूंगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बनूंगी। मैम, कई सबसे ज्यादा नुकसान आपके लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने भी कई सारे मंत्रियों से भी मिली है और कई सारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिलकर बात करेंगे। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो लगभग 70% मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आ जाता है, तो हिमाचल का जो जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है वो मंडी लगभग 70% उसको कवर करती है, तो नुकसान खैर सारी जगह पे हुआ है, पर वो मंडी क्षेत्र में अधिकतर आता है, तो लगभग 1500 किलोमीटर का एरिया है, तो ऐसा तो नहीं कि हम एक साथ में कवर कर सकते हैं उसको, बहुत दूर दूर है सारे क्षेत्र, तो जितना हो सकता है उतना अब करेंगे, और जैसे 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 स्थिति बनेगी वैसे वैसे कवर करेंगे। मैम, राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके यहाँ ईडी के छापा है, छापा पड़ सकता है, देखिए राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं, देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाय करना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है, और इस मानसिकता को बदलना, देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है, और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं, आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं ये बहुत निंदाजनक है, और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी